जय मां विंध्यवासिनी, मैं हूं पंडित अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। 2024 में वृश्चिक राशि वालों का किस ग्रह से संबंध होने वाला है, किस ग्रह का साया रहने वाला है और कौन सा ग्रह वृश्चिक राशि को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाएगा, कौन सा ग्रह वृश्चिक राशि की सहायता करेगा, ये सब मैं बताऊंगा आज आपको अपने इस कार्यक्रम भाग्योदय में। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का राशिफल 2024 मैं अब बताने वाला हूं। वृश्चिक राशि पर साल भर 2024 में शनि की ढैया का प्रभाव रहने वाला है। वर्ष पर्यंत शनि की ढैया रहेगी। 4 फरवरी से आपका राशि स्वामी मंगल आपके धन स्थान में रहेगा। यह ग्रह स्थिति जो बनती हुई दिखाई दे रही इसके अनुसार मानसिक तनाव, व्यर्थ की भागदौड़, खर्च की अधिकता, ये 3 स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। 15 फरवरी से 14 मार्च तक मंगल आपका राशि स्वामी उच्च का होकर मकर राशि में संचार करेगा। जब राशि स्वामी उच्च का होगा तो क्या होगा भाई, 2024 में यह काल, यह समय आपके लिए भाग्यकारी होगा, कल्याणकारी होगा। इसी समय घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, धन की वृद्धि होगी, कोष बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, व्यापार में उन्नति होगी, नए काम बनेंगे, विवाह शादी के रिश्ते भी बन जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्या का भी समाधान इसी कालखंड में हो जाएगा। मई से पंचमेश गुरु आपकी शुभ सप्तम दृष्टि रहने वाली है आपकी राशि पे, तो कहीं ना कहीं पूर्व में किए गए सारे प्रयास इस कालखंड मतलब 1 मई के बाद सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी, कोई इंटरव्यू दे रखा है, उत्तर नहीं आया है तो आपके पक्ष में परिणाम आएगा। नौकरी अगर आप पहले से कर रहे हैं, अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो पदोन्नति भी आपकी हो जाएगी। कार्य व्यवसाय में कुछ आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कहीं नई जगह कोई नया एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं बिजनेस का, वह भी हो जाएगा। 1 जून से 25 अगस्त तक मंगल का स्वगृही दृष्टि रहने से मुश्किलों को पार करते हुए आप अपने लिए एक नया मकान, नया घर बना सकते हैं। 20 अक्टूबर से मंगल भाग्य स्थान में नीच का अर्थात कर्क राशि का हो जाएगा। यह गोचर आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। इस समय सोच विचार करके कहीं निवेश करें, कहीं पैसा लगाएं, खास करके अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए व्यवसाय, नया काम शुरू करने से पहले 2 बार सोचें। पूरा वर्ष कुल मिलाकर के आपके लिए वैसे तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपने निर्णय पर एक बार अपने किसी श्रेष्ठ, दूसरों के, अपने बड़ों की सलाह जरूर लें, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है भाई, और इसकी वजह से दूसरों की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, खास करके पिता हों, गुरु हों, क्योंकि पिता और गुरु का आशीर्वाद अगर आप नियमित लेते रहेंगे तो वृश्चिक राशि के लोगों का कुछ भी अहित साल 2024 में नहीं होगा। उपाय बता देता हूँ, उपाय नोट कर लें। वर्ष पर्यंत मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, पूजा अर्चना करें, उनका दर्शन करें, हनुमान मंदिर जाएं, प्रसाद नैवेद्य इत्यादि समर्पित करें। अब चूंकि शनि की ढैया चल रही है तो शनि की ढैया से बचने के लिए शनि के मंत्रों का जप करें। ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम शनो देवी रविष्टये, आपो भवन्तु पीतये, संजो रविश्रवन्तु नः, ये शनि का वैदिक मंत्र है, इसका भी आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा एक सरल उपाय और बता देता हूँ, अमावस्या के दिन 19 संख्या जरूर नोट कर लीजिए, 19 पीपल के वृक्ष अमावस्या के दिन सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के पहले दिन के समय अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी होगा और शनि की ढैया की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। माँ विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मुझे अनुमति दें, नमस्कार।